यहाँ पर ना मेरे को बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी ककड़ी दिखी है, लेकिन इसको ना मैं अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि ये तो सूख गए। और आज भी ना दोस्तों सुबह से लाइट नहीं आ रही है, मेरे फोन पे ना बैटरी भी कम है। कल ना पापा जी और माँ गए थे पहले भैंस को लेने जंगल में, तो उसके बाद अभी शाम की 5 बज गई है, बाहर ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, यहाँ पर कन्हैया की तैयारी हो रही है। और पता नहीं मेरे पापा में किसकी नजर लग गई, पूरे बाल भी सफेद हो गए, पूरा शरीर। आदि पापा कितने गोरे थे पहले, क्या के गोर थे भाई, आप क्या कहा। अभी माँ जी ने यहाँ पे घास पिला दिया है जब तक भैंस चर रही थी। अब सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति गन होटल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति गन होटल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर की 12 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का बागी ब्रह्मपुरी गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो सुबह से न हल्की हल्की धूप आ रखी थी, और अभी के टाइम पर देखो पूरे आसमान पे ना बादल ही बादल लग गई है। बाकी दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत अपने खेत से कर रही हूँ, यानी कि किचन गार्डन से कर रही हूँ। और इस खेत में ना हमने यानी कि मिक्स खेती कर रखी है, कद्दू की बेल बो रखी है और ककड़ी और राजमा की बेल, पता नहीं दादाजी ने क्या क्या चीज़ बो रखी है। और आज भी ना वीडियो की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा देर से हो रही है क्योंकि सुबह से ना मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो अभी जाके ना वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। दादी जी भी ना आज घर पर है क्योंकि आज ना दादाजी का व्रत है, तो गंगाई हमने भी ना आज इसी घर पर है, तो गंगाई मेरी वीडियो बना रहे अभी। और कन्हैया भी ना आगे समय आ गया था नए वाले घर से पुराने वाले घर पर। और मैं आई हूँ खेत में, मैंने ककड़ी ढूंढने आ रखी, देखती हूँ कि ककड़ी मिलती भी मेरे को कि नहीं मिलती। बेल तो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है लेकिन ककड़ी ना एक भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर ना मेरे को बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी ककड़ी दिखी है, लेकिन इसको ना मैं अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि बहुत छोटी हो गई, ये तो मेरे लिए भी पूरी नहीं होगी। सबसे तो घर चलती हूँ, यानी कि 3-4 दिन में तोड़ के ले जाऊँगी इसको घर में। आज ना मेरी बहन लोगों ने पूरे बिस्तर भी बाहर डाल रखे थे, लेकिन अभी ना धूप चली गई है, कोई फायदा नहीं हुआ उनको डाल के क्योंकि सुबह के टाइम पर ना बहुत तेज धूप लग गई थी, लेकिन अभी ना धूप चली गई है। और यहाँ पर देखो दादी जी ने ना गेहूँ भी डाल रखी है धूप में सुखाने, थोड़ी तो सूख गई लेकिन ज़्यादा नहीं सूखी क्योंकि धूप भी चली गई है। और अभी तक ना मैं यहीं पर सोई रही और इतनी प्यारी नींद आई ना धूप में, क्या ही बताना। और गंगा और यमुना की भी आज छुट्टी है, इनके आज संडे है, तो ये दोनों भी ना लगे हुए हैं सुबह से घर के काम करने पर। अभी तक क्या काम किया, बिस्तर डालने सुखाने के लिए, धूप तो चली गई, क्या फायदा रहा हमारा। तो कोई बात नहीं, हल्के तो सूख गए। और आज भी ना दोस्तों सुबह से लाइट नहीं आ रही है, मेरे फोन पे ना बैटरी भी कम है, तो जितनी ना बैटरी रह पाएगी तो उतनी ही वीडियो बन पाएगी। यहाँ पर देखिए जी दादी जी ना गई है, और अभी ना दादी जी अपने लिए फलार बना रही है, क्यों है दादी तू ले। दादी आपके लिए एक कमेंट आ रहा था, गैस पर कने नहीं बढ़ाने दो, खान चूल्हे पर क्या बढ़ाने, बनायो कने नहीं बढ़ाने दो, नहीं बनाने ये नहीं यहाँ पर दादी जी कह रहे हैं कि हम चाय बनाते हैं गैस पर और रोटी बनाते हैं, यानी कि कुछ खाना चूल्हे के गैस पे बनाते हैं तो कुछ खाना ना लकड़ी के चूल्हे पे बनाते हैं, नहीं दादी गैस पर बना। दादी ये भी कह रही जिस टाइम में लकड़ी नहीं होती उस टाइम भी हम गैस पे ही खाना बनाते हैं। यहाँ पर ना दादी ने अभी आग भी जला दी है और चूल्हे के ऊपर बना रही चाय। दादी गैस पे क्यों नहीं बना रही, गैस पर बना तो रखा है। तूने बनाया गैस पे, कन्हैया कह रहा है कि अभी ना मैंने गैस पर बनाया है और अभी रखा है चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पर देखो दादी जी ने ना फलार बना दिया है। यहाँ पर ना हल्की हल्की बारिश की बूंद पड़ने लग गई है, तो गंगा यमुना ना पूरे बिस्तर अंदर ले जाने लग गई है। और सुबह से ना अभी तक लाइट नहीं आई है, सुबह से ना इतना इंतजार कर दिया है लेकिन लाइट आने का अभी नाम ही नहीं ले रही है।
गई है। यहाँ पर देखिए माँ भी आ गई है घास लेके। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 3 बज गई है। यहाँ पर ना कन्हैया और मेरी और यमुना की तैयारी हो रही है ऊपर तक, यानी कि आधे जंगल तक जाने की, क्योंकि पापा जी जा रखे हैं गाय और बैल को चराने। तो हम देख के आ रहे हैं कि पापा जी ने ना कहाँ तक गाय और बैल लाए हैं, क्योंकि दादी और दादा कह रहे हैं कि आधे रास्ते तक ना लेने जाओ। हम थोड़ी ऊपर तक गए हैं, लेकिन पापा जी ने अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये मत सोचना आप लोग कि मेरे पापा जी अकेले जा रखे हैं, तो पापा जी के साथ ना और भी जा रखे हैं गाँव में, क्योंकि आज हमारी बारी थी गाय और बैल को चराने की। आ जाओ, ये कह रहे कि और आगे तक जाओ, मेरी बस की बात नहीं, आ जाओ। कल ना पापा जी और माँ गए थे पहले भैंस को लेने जंगल में, तो उसके बाद ना यमुना और गंगा भी चली गई थे भैंस लेने, क्यों यमुना? तो इन दोनों ने ना कल जंगल की वीडियो बना रखी है, और इसको देखो यहाँ आगे से मेरे को चिढ़ा रहा। और कल ना इन दोनों ने जंगल की वीडियो बना रखी है, गंगा ने और यमुना ने, तो उस वीडियो को भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। अभी हमने घास घर पे छोड़ दिया है, अभी हमारी तैयारी हो गई है भैंस को लेने के लिए, और मम्मी और पापा तो चले गए हैं आगे। अभी हम दोनों और डुगू भी जा रहे हैं। और यहाँ पे ना ये चिराती कर रखी, इतने सारे पटेले हैं। और यहाँ पे ना बीच रास्ते में पेड़ गिर रखा, उसी की ये चिराती कर रखी। अभी हम यूली भी पहुंच गए हैं, इस जगह का नाम यूली है। यहाँ पे पुराने जमाने का घर है। अभी ना यहाँ पे हमें 2 अखरोट मिल गए, बहुत ऊपर है। अभी नहीं, हम ना निकाल रही अखरोट को छाते से ऊपर। वो निकाल। और ना हमने ये 2 अखरोट भी निकाल दिए हैं। अभी हमें भैंस भी मिल गई है। आजा। अभी माँ जी ने ना यहाँ पे घास पिला दिया है, जब तक भैंस चर रही थी। अब फटाफट से घर जा, अभी हम घर भी जाने लग गए हैं।
बहाना अभी हल्की हल्की बारिश होने लग गई है। यहाँ पर ना पापा की तैयारी हो रही है जंगल जाने की। आगे समय भी पापा जी जंगल गए थे गाय और बैल के साथ। पापा जी ना अभी चाय पीने घर आए और अभी ना लेने जा रहे हैं गाय और बैल को लेने। पापा जल्दी आना है, ठीक है जल्दी आना। यहाँ पर देखिए जी गंगा ने और माँ ने दोनों भैंस पिला दी है। अभी शाम की 5 बज गई है। बाहर ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ पर कन्हैया की तैयारी हो रही है नए वाले घर पे जाने की। तो कन्हैया आराम कर रहे हैं, कल आएगी इधर छुट्टी आ गई तो बाय बाय। और यहाँ पर देखो पापा जी भी बैठ रखे हैं। और पापा जी ना बचपन में बहुत गोरे थे, यानी कि मेरे से ज्यादा गोरे थे ना पापा। अब क्यों है आप काले? पापा जी कह रहे कि पहाड़ में होए मैं काला। काम करके ना पापा, पापा जी भी ना बहुत काम करते हैं घर के, यानी कि पशुओं का काम ना पापा जी बहुत करते, खेती बाड़ी का काम पापा बहुत करते है। और पता नहीं मेरे पापा में किसकी नजर लग गई है, पूरे बाल भी सफेद हो गए, पूरा शरीर देखो काला हो गया। पापा कितने गोरे थे पहले? क्या के गोरे थे भाई, अब क्या काम? अब क्यों कहा? अब क्या भाई, चाहे बीड़ी खाई खाई थे वो चाइना से खाई गई। यहाँ पर दादी कह रही है कि बीड़ी खा खा के ना पापा जी काले हो गए, नहीं तो अभी तक पापा जी ने गोरा ही होना था अगर ना बीड़ी नहीं पीते थे। और दोस्तों सुबह से ना अभी तक भी लाइट नहीं आई है। आज की वीडियो ना तभी एडिटिंग हो पाएगी जब ना लाइट आएगी, क्योंकि सुबह से ना अभी तक भी लाइट नहीं आई है और ऊपर से ना बारिश भी होने लग गई है। मेरे फोन पे ना बहुत कम बैटरी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार से व्यस्त रहे। जय जय उत्तराखंड, बाय बाय। यहाँ देखो मेरे को भी बोलने नहीं दे रही कोई, गुड मॉर्निंग बोल रहा।